हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टूर विद ऋषभ में। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ प्रयागराज में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रयागराज को हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। दोस्तों, इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग ही था। सन 1500 की शताब्दी में कुछ मुस्लिम शासकों ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, लेकिन सन अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुनः इसका नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज रख दिया। दोस्तों, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है, और इलाहाबाद का संगम हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है। दोस्तों, त्रिवेणी संगम यानी कि तीन नदियों का संगम। यहाँ पे तीन नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि गंगा, जमुना और सरस्वती, इन तीन नदियों का संगम इलाहाबाद में होता है। दोस्तों, गंगा और यमुना नदी तो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती नदी हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। लोक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि गंगा और यमुना नदी में सरस्वती नदी गुप्त रूप से मिलती है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ प्रयागराज में, और आज आपको संगम क्षेत्र का संपूर्ण भ्रमण कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, आज आपको मैं पूरा संगम क्षेत्र घुमाने वाला हूँ। और इस वक्त प्रयाग में माघ मेला चल रहा है, तो दोस्तों आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, और वीडियो में आप पूरा बने रहिए।